नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल एंड न्यूरोकाइंड एलसी कैप्सूल्स में क्या डिफरेंस है और किन लोगों को कौन सा कैप्सूल लेना चाहिए ये जानेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास है, ये है न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, ये है न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल और तीसरा है यहाँ पे न्यूरोकाइंड एलसी कैप्सूल, ये है न्यूरोकाइंड एलसी कैप्सूल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों कैप्सूल्स में कॉमन इंग्रेडिएंट क्या है। तो इन तीनों कैप्सूल में दो इंग्रेडिएंट कॉमन है, एक है फोलिक एसिड और दूसरा है मिथाइलकोबालामिन यानी कि विटामिन B12। तो ये जो फोलिक एसिड और मिथाइलकोबालामिन है दोनों, वो बेसिकली एमोनिया में ट्रीट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट है वो रेड हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है, उसका काउंट बढ़ाता है। तो ये एनीमिया को दूर करने के लिए यूज होता है, तो तीनों कैप्सूल एनीमिया में चलेगा इस हिसाब से। ठीक है, अब हम बारी बारी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल। तो ये जो न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल है, इसमें जो बेसिक मेन कंटेंट है वो है जिनसेंग। तो ये जिनसेंग क्या करता है, जिनसेंग पुरुषों में कामोत्तेजना को बढ़ाता है। तो मतलब जो पुरुषों का लिंग होता है उसमें वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा तेज कर देता है, तो उसकी वजह से ज्यादा मात्रा में खून है वो लिंग में एकत्रित होता है और शिश्नोत्थान की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल जिन पुरुषों में कामोत्तेजना की कमी है उसे दूर करने के लिए ये न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है जो वो है न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल। आप देख सकते हैं ये न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल है, उसमें बेसिकली मिथाइलकोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, पाइरिडोक्सिन एंड फोलिक एसिड है। तो ये बेसिकली एनीमिया में या फिर जिन लोगों को रेड ब्लड सेल्स की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उन लोगों को लेना चाहिए न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि न्यूरोकाइंड एलसी कैप्सूल में क्या डिफरेंस है। तो न्यूरोकाइंड एलसी कैप्सूल में जो मेन कंटेंट है वो है एल कार्निटिन एंड एल टार्टरेट। ठीक है, तो जो एल कार्निटिन है वो बेसिकली ब्रेन को इम्प्रूव करता है और हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है और मूड को भी इम्प्रूव करता है। तो जिन लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर मेमोरी का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ये न्यूरोकाइंड एलसी का कैप्सूल लेना चाहिए। ठीक है, और साथ में दूसरा कंटेंट है उसमें, वो है एल टार्टरेट। तो ये एल टार्टरेट क्या करता है, वो एल कार्निटिन का लेवल बॉडी में मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, इसके लिए एल कार्टरेट यूज होता है। तो दोस्तों आपने जान लिया ये तीनों कैप्सूल में जो क्या कॉमन इंग्रेडिएंट है और क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम बारी बारी देखें तो न्यूरोकाइंड प्लस कैप्सूल बेसिकली एनीमिया के पेशेंट को लेना चाहिए, न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल बेसिकली जिन पुरुषों को कामोत्तेजना से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें लेना चाहिए, और न्यूरोकाइंड एलसी कैप्सूल ब्रेन के रिलेटेड इश्यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये थे कॉमन इंग्रेडिएंट एंड डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल, न्यूरोकाइंड प्लस एंड न्यूरोकाइंड एलसी कैप्सूल। ठीक है, तो ये तीनों का डिफरेंस हमने बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल ओजस लाइन को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।